नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बालाजी अभियंता। आज हम बात करने वाले हैं कि पेट्स लाइफ हैंड फीडिंग फार्मूला कैसे बनाया जाता है और इसके रेट्स के बारे में और ये आपको कहाँ से अवेलेबल हो सकता है। तो आइए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। ये पेट्स लाइफ टायो फीड मिल का है, टायो कंपनी के द्वारा बनाया गया है पेट्स लाइफ हैंड फीडिंग। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, इसका रेट देख लेते हैं। इसका रेट है 950, जो आप नॉर्मली शॉप से परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये एक्सपेंसिव लगता है तो आप इसे फ्लिपकार्ट या अमेजोन के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं, जिस पर आपको 100 से 150 रुपये की छूट मिल जाएगी। दूसरी बात, इसके पीछे फीडिंग बनाने का फॉर्मूला अच्छे से लिखा है, लेकिन कई लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आती है कि वो फीड सही से बना नहीं पाते। काफ़ी प्रॉब्लम आने के कारण बर्ड को भी प्रॉब्लम आती है कि बर्ड का गला चौक हो जाता है, क्रॉप चौक हो जाता है। चौक होने के कारण ना वो खाना खा पाता है, ना वो सही से सांस ले पाता है और धीरे धीरे बर्ड के साथ प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये पेट्स लाइफ का 1 kg का पैकेट है। इसमें आपको और भी पैकेट्स अवेलेबल हो जाएंगे। क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, आप अपनी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग आप इसे खरीद सकते हैं। इसमें 0.5 किलो, 1 किलो और साथ ही साथ 2 किलो की पैकिंग भी आती है, तो जैसा आपको मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग खरीद सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। आप देख ही रहे हैं पेट्स लाइफ, ये मेरा यूज़ है, मैंने थोड़ा यूज़ कर रखा है ऑलरेडी, क्योंकि मैंने 1 किलो का पैकेट खरीदा था तो काफ़ी बर्ड्स को मैं फीड करा चुकी हूँ ऑलरेडी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये गर्म पानी डालने के कुछ समय बाद डबल फूल जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जिस हिसाब से आपके बर्ड है उसी हिसाब से आप क्वांटिटी लीजिएगा। देखिए दोस्तों, इसका कलर आपको साफ नज़र आ रहा है, अभी थोड़ा डार्क ब्राउन टाइप का है, बिल्कुल लाइट नहीं कह सकते, डार्क ब्राउन टाइप। धीरे धीरे पानी डालिएगा दोस्तों, अगर जल्दी जल्दी आप पानी डालेंगे तो इसमें ज़्यादा लम्स बनने के चांसेस है, जिस वजह से वो लम्स जो है वो फूटते नहीं है और वही लम्स बर्ड के चौक में या गले में अटक जाते हैं, जिसके कारण क्रॉप चौक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसको इस तरह से सही से मिक्स करते हुए ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक भी लम्स नहीं रहने चाहिए। जब आपके सारे लम्स फूट जाए, ये देखिए दोस्तों लम्स ऑलमोस्ट फूट चुके हैं, इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। देखिए दोस्तों इस तरीके से धीरे धीरे करते हुए इसको हमें अच्छे से घोल लेना है, एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस बात का। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लम्स रहने से बर्ड को ही प्रॉब्लम आती है। अब देखिए दोस्तों, हम इसको काफ़ी मिक्स कर चुके हैं बट इसके अंदर लम्स अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स अभी भी अवेलेबल हैं, आप देख पा रहे हो शायद, ये देखिए छोटे छोटे पार्टिकल्स अभी भी अवेलेबल है। इसके लिए क्या करना है दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं इसी तरीके के फीड को ठंडा करके और बर्ड को फीड करा देते हैं, जो कि बाद में प्रॉब्लम करता है। इसकी जगह दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, सिरिंज लीजिए जिससे आपने फीड कराना है। मैं नॉर्मल प्लास्टिक सिरिंज ले रही हूँ, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसके बाद आप इसको सिरिंज में भर के बार बार कटोरी में छोड़ते रहिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जितनी बारी आप इसको करेंगे उतने ज़्यादा लम्स जो है वो डाइल्यूट होते चले जाएंगे, और ऐसा करने से आपके जो छोटे छोटे लम्स हैं वो भी फूट जाएंगे। बाकी है तो हमें और इसको डाइल्यूट करने के लिए यही प्रोसेस फिर से करनी पड़ेगी।
क्योंकि जो छोटे छोटे लम्स होते हैं यही हमारे बर्ड के क्रॉप में फंस जाते हैं, जिस वजह से बर्ड की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती चली जाती है। देखिए दोस्तों, सारे लम्स खत्म हो चुके हैं इसके, आप देख ही रहे होंगे। अब इसको दोस्तों हमें 5 से 10 मिनट के लिए साइड में रख देना है, जिससे कि जितना फूलेगा उतना फूल जाएगा। ऐसा ना हो कि हम बर्ड को ऐसे ही फीड करा दें और बाद में उसके क्रॉप में जाके ये फूल जाए। इससे क्या होगा कि पानी की कमी होगी और ये और गाढ़ा होता चला जाएगा, जिससे कि बर्ड को प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए दोस्तों, 5 से 10 मिनट बीत चुके हैं, उसके बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी देख के पता लगा सकते हैं कि कितना थिक हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, जितना लिक्विड हमने इसके अंदर डाला था उसके हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो लोग नई नई फीड कराना स्टार्ट किए हैं जिन्होंने, वो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि जब आप फीड कम्प्लीट घोल लें, आपके अकॉर्डिंग आपने पानी पूरा डाल लिया इसके अंदर, उसके बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे चेक कर सकते हैं। इसके अंदर ये बबल्स आने चाहिए। देखिए दोस्तों, ये बबल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये बबल्स आने ही चाहिए। ये देखिए दोस्तों, ये बबल्स देख रहे हैं दोस्तों, ये बबल्स आने चाहिए। इसी से पता लगेगा कि ये जो नए नए फीडर्स हैं, जो नई नई फीड करवा रहे हैं, उनको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना है। लिक्विड फीड चाहे जितना ही पतला हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फीड गाढ़ा नहीं होना चाहिए कि बर्ड को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम ना हो और बर्ड का पेट वगैरह ख़राब ना हो। ठीक है दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसके लिए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आगे और ज़्यादा मैं वीडियो बना सकूँ। और बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आती हो, तो आप मेरे को बता सकते हैं, मेरी नेक्स्ट वीडियो उसी पर होगी। थैंक यू।